आज के पावन श्री चरणों में हम सब भाई बहनों की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। योग योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजयः, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा बताते हुए जीवन का मूल समत्वम को बताया। और यह समत्वम कहाँ से प्राप्त होता है? जीवन में मति, गति और स्थिति, ज्ञान, कर्म और भक्ति से प्राप्त होती है। संतुलित जीवन जीने के लिए जैसे योग की आवश्यकता होती है, वैसे ही योग के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं एक स्थिर आसन की भी आवश्यकता होती है, स्थिरम सुखम आसनम। आइए चित्त की वृत्तियों को स्थिर करने हेतु, योग का दीपक प्रज्वलित करने हेतु, योग सत्र के दीपदान के लिए हम ऐसे ही कुछ कर्मठ भाई बहनों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने इस महाअभियान में, इस ऐतिहासिक विजय में अपना अहर्निश योगदान दिया है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष भी हमारे मध्य में हैं। एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आज के सत्र का शुभारंभ संत बाबा हाकिम सिंह जी, जो तरन तारण से हमारे मध्य में हैं, वह कर रहे हैं। स्वामी बसवानंद जी जो धारवाड़ कर्नाटक से हैं, आध्यात्मिक शक्ति का इस ऐतिहासिक परिवर्तन में एक बड़ा योगदान, बड़ा आशीर्वाद रहा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन नेतृत्व में संत शक्ति ने भारत की जनशक्ति को जागृत किया और यह जन जागरण का कार्य इस परिवर्तन का मूल तत्व रहा। पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए हमारे कार्यकर्ता भाई सुधांशु जी, भाई श्रीधर राव जी दीप प्रज्वलन के साथ, भाई लक्ष्मी जी, आदरणीय बहन राजेश्वरी जी, भाई कर्नल रतन सिंह गाबा जी, बहन सुधा जी, भाई त्रिलोक जी, कर्नल रतन सिंह गाबा जी आशीर्वाद ले रहे हैं, भाई श्रीधर राव जी हैदराबाद से, बहन अनीता दुकानिया जी भी आशीर्वाद लेते हुए, भाई त्रिलोक जी और हमारे बहुत से ऐसे भाई जिन्होंने अपना जीवन भी दिया है और धन शक्ति, अर्थ शक्ति का भी पूरा सहयोग दिया। भाई बच्चू राज प्रकाश जी हमारे फाउंडर मेंबर हैदराबाद से, पुरोभी गिरी जी पश्चिम बंगाल से, बहन सत्या जी वो भी फाउंडर मेंबर हैं और हरियाणा में महिलाओं का विशेष कार्य भी देखती हैं, बहन विमला मलिक जी दिल्ली से, भाई राम ऋषि अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से, अनुराग जी, नीमा गोयल जी संबल से, राजेंद्र जी भोपाल से, भाई मोहन योगी जी उत्तराखंड के हमारे राज्य प्रभारी, भाई अरविंद सिंह जी मध्य प्रदेश से, भाई संजीव धीमान जी, 1 लाख ये बहन अभी दे रही हैं, बहन श्रीमती लता श्याम लता अग्रवाल जी वृंदावन से आई हैं, पहले से भी आजीवन सदस्य हैं। एक बार ऐसी कर्मठ और दानशील बहन का भी अभिनंदन। अब भाई अरविंद जी आशीर्वाद लेते हुए, बहन ज्योति जी ने भी आशीर्वाद लिया अभी, भाई विवेक जी जो केरल से कश्यप आश्रम से हमारे मध्य में हैं, उनको भी आप सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय भाई भंवरलाल जी आशीर्वाद ले रहे हैं। जीवन में लगातार परीक्षा काल चलता रहता है, हर क्षण एक परीक्षा का क्षण होता है। परंतु यदि हम बाल्यकाल की बात करें तो 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का हमें पता है बोर्ड का एग्जाम होता है,
उनका अपना एक महत्व होता है, परंतु जो 12वीं का एग्जाम होता है वो पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल देता है। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव था वह पूरे राष्ट्र के लिए 12वीं का एक पेपर था, जिसमें उत्तीर्ण होने से पूरे देश की दशा और दिशा बदलने वाली थी। और जैसे माता पिता कोई लक्ष्य दें और बच्चा उसे पूर्ण कर दे, साहब 100% अंकों से पूर्ण कर दे, तो उसमें जो कुलबुलाहट होती है, जो छटपटाहट होती है अपने माता पिता के समक्ष जाकर अपने संकल्प के पूर्ण होने की, अपने माता पिता के उस बड़े संकल्प को पूर्ण करने की, वैसी ही छटपटाहट मुझे आज अपने भाइयों को देखकर, अपनी बहनों को देखकर मिलती है, जो इतनी हजारों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं, उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जो ग्राम, ढाणी, कस्बे, शहर में कार्य कर रहे थे और जिन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एक आह्वान पर अहर्निश, किसी ने 6 महीने, 1 साल, पिछले 5 साल से लगातार इस भारत स्वाभिमान यात्रा के शुरुआत से और वह द्वारिका से लेकर अब तक अपना पूरा प्राणपन, प्रत्येक क्षण इस संगठन के लिए, इस मिशन के लिए, पूज्य स्वामी जी महाराज के संकल्प के लिए दिया। और पूज्य स्वामी जी महाराज का वह बृहद संकल्प पूरा हुआ है और वह आप सबके पुरुषार्थ से और उस ईश्वरीय आशीर्वाद से पूरा हुआ है। ऐसे गुरुचरणों में हम सब की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं, जिनके माध्यम से इस राष्ट्र को एक नई दिशा मिली है। राष्ट्र अपने अभ्युदय की ओर अग्रसर होगा, निश्रेष की ओर अग्रसर होगा। इसी अपनी प्रस्तुति के साथ मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन करते हुए यह मंच सादर समर्पित कर रहा हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई जयदीप जी को, भाई राकेश जी को, बहन सुमन जी को और आप सब कार्यकर्ता भाई बहन जो राज्य स्तर पर, जिला एवं तहसील स्तर पर इस ईश्वरीय कार्य को निष्काम निर्लोभ भाव से करते हुए इस अनुष्ठान में अपने अपनी आहुतियां प्रदान कर रहे हैं और आज पूरे देश भर से पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत और किसान पंचायत के इन 5 संगठनों के सभी वरिष्ठ भाई बहनों का, वैसे तो कल आपके आगमन पर स्वयं इंद्रदेव ने आपका स्वागत किया था, बहुत दिनों से बाट जो रहे थे भीषण गर्मी के बीच में कि कब भगवान का अनुग्रह होगा। सारी दिव्य मानवीय शक्तियां तो हमारे साथ में हैं ही, उसको तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब जब कोई विशेष अवसर होता है तो स्वयं भगवान इंद्रदेव के माध्यम से हमें अपना आशीष प्रदान करते हैं। वही कल शाम को हुआ आप सबके आगमन के साथ। आज मैं संपूर्ण सात्विक शक्तियों को, पूज्य बाबा जी को और आप सब भाई बहनों को पुनः भागवत भाव से आपके भीतर विराजमान उस विराट ब्रह्म की मूर्त रूप को प्रणाम करता हुआ आइए सब अब लंबा गहरा श्वास भर के, एक ही ब्रह्म का तो विस्तार सब में है, पावन ओंकार का उच्चारण करते हुए उस ब्रह्म के एकत्व का अनुभव सर्वत्र करते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे अंग संग जिए हर पर, हे नाथ हे नारायण, हे प्रभु तेरी कृपा, तेरे आशीषों को, तेरे अनुग्रह को हर पल अनुभव करें,
तुझसे ही तो सब कुछ है, तुझ में ही तो सब कुछ है, तेरा ही तो सब कुछ है प्रभु, और अंतिम गंतव्य भी तो प्रभु सबका तू ही है। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहैः तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शांति शांति ही। सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगश चित्तवृत्ति निरोधः योगः समाधि ही तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्ति सारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः दृष्टानो श्रविका विषवितृष्णस्य वशिकार संज्ञा
वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम विषयाः विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः रसवरजं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध यह है योग। हम या तो शरीर के स्तर पर अथवा इंद्रियों के स्तर पर या मन के स्तर पर जीते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये भगवान के दिए हुए बहुत बड़े साधन हैं, साध्य है इनसे पार जाना। आत्मा परमात्मा के द्वार जाना, और जब हम उसके यंत्र बन जाते हैं तो हमारे माध्यम से वो ईश्वरीय शक्ति, वो भागवत शक्ति काम करने लगती है। यही है योग, यही है समाधि, यही है धर्म का मर्म, यही है आध्यात्मिकता की उपलब्धि, कि हमारे मस्तिष्क को वो प्रभु यंत्र बना करके, निमित्त बना करके, और इस धरती पर दिव्य ज्ञान का अवतरण करने लगे। माने मस्तिष्क ईश्वरीय ज्ञान से युक्त हो जाए, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रुति, दिव्य वाक, दिव्य वाणी, दिव्य व्यवहार, दिव्य स्वभाव, दिव्य आचरण, दिव्य जीवन की प्राप्ति, दुखों की परिसमाप्ति, भीतर की सभी प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, पराधीनताओं से मुक्ति, सारी वासनाओं से मुक्ति, सारी कामनाओं से मुक्ति, निष्काम हो जाएं, निर्लोभ हो जाएं, सारे संसार के दुख, सारे संसार की वासनाएं वो काम और लोभ के रूप में ही प्रकट होती है। गंतव्य हम सब का यही है। शुरुआत योग अभ्यास में हम व्यायाम से करेंगे, और व्यायाम आसन करते करते हम प्राणायाम और ध्यान समाधि के शिखर तक पहुंचेंगे। योग से व्याधियां मिटती हैं, यह तो उसका प्रथम चरण है। उससे समाधि मिलती है, यह उसका अंतिम चरण है, यह ध्येय है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे चित्त निर्बीज हो जाएंगे, उनमें वासना लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगी। फिर विषय हमें विष के समान लगने लगेंगे, फिर कामना पूर्ति होने से नहीं, कामना मुक्त होने से सहज सुख, निरंतर सुख, शाश्वत नित्य सुख की अनुभूति होगी। यहां तक हमें जाना है पूरी सजगता के साथ। आइए व्यायाम 20 मिनट करेंगे, रोज करना ही है। योग करें ना तो क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में नहीं। ये चित्त की
तीन अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें योग नहीं होता है, भोग होता है। भोग क्या है? वृत्ति सारूप्यमित्रत्र, जो विचार उठा उसी में बह गए, यह भोग। और वृत्ति निरोध, यह योग। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति सारूप्यमित्रत्र। अब पूरी सजगता जागरूकता के साथ होशपूर्ण जीवन जिएंगे, अवेयर रह करके, अलर्ट रह करके, जागरूक रह करके, उत्तिष्ठता जागृत। यो जागारह तमृचः कामयन्ति, यो जागारह तमुसामानयन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सखी न्यूक। जागुरी जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवी पाव पसार। संग सखा सब तज गए कोई न निभियो सा, ये सारा संसार तो अपने प्रवाह से बाहर जा रहा है, हमें इसके पार जाना है। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपुन तरे ओरन लेत उभार। ऐसा जीवन जीना है, खुद भी अनंत के पथ पर, भगवान के पथ पर, इस देव पथ पर आगे बढ़ना है, और सब जनों को इधर ही लेकर के आना है। सबका गंतव्य तो यही है। तो आइए क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था से बाहर निकल एकाग्र हो करके उसी ब्रह्म के एकत्व का अनुभव सर्वत्र करते हुए, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, एको वशी सर्वभूतंतरात्मा, एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक निडम एकम ब्रह्म। उसी एक का विस्तार है अनेक रूप जगत, उसी का मूर्त रूप है, मूर्त में अमूर्त में, एकत्व में अनेकत्व में, उसी ब्रह्म का दर्शन। और 20 मिनट का व्यायाम पूरी एकाग्रता के साथ, लंबे लंबे श्वास, और एकाग्र अवस्था के बाद निरुद्ध अवस्था आती है। जैसे हम जौ को, धान को, चने को देखते हैं अग्नि में डाल देते हैं तो उसमें अंकुरण की क्षमता नष्ट हो जाती है, ऐसे ही मैं सब योगी भाई बहनों को इस स्थिति में देखना चाहता हूं, जहां सबके चित्त से वासनाओं के अंकुर फूटने बंद हो जाएं और आप सब निष्काम और निर्लोभ हो जाएं। अर्थ खामिस्व अशक्तानं धर्म ज्ञानं विधीयते, तब आपके जीवन में धर्म अध्यात्म भगवत्ता प्रतिष्ठित होगी। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी एकाग्रता से, भावपूर्ण हृदय से व्यायाम, फिर सूक्ष्म व्यायाम, जो ये कठिन व्यायाम न कर पाए उनके लिए फिर आसन प्राणायाम। योग को ना पूरे आनंद से करना है, पूरी सजगता के साथ। सभी खड़े हो जाएंगे और लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, हर पल सबको एकाग्र रहना, ब्रह्म के एकत्व का अनुभव स्वयं में और सब में, व्यष्टि में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में, उसी ब्रह्म की अनुभूति और सर्वत्र उसी की हो रही है अभिव्यक्ति। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पहला अभ्यास, फिर ये दूसरा। हम जो भी करें, यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषमदार्पणम्। ऐसा भाव, भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रह करके, योग कर्म से लेकर के जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्मों की आहुति अनंत के लिए, योग भी भगवान के लिए योग करेंगे तो हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा,
और वो सामर्थ्य अनंत के लिए होगा, सेवा के लिए होगा, समष्टि के लिए होगा, भोग के लिए नहीं। योग भी भगवान के लिए, भोजन भी भगवान के लिए, उसी को आहुति अर्पित कर रहे हैं। यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि गोन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। जो दान कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए, जो संग्रह कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए, भोजन भी भगवान के लिए, यजन भी भगवान के लिए, शयन भी भगवान के लिए, जो कर रहे हैं सब भगवान के लिए। ये भगवत्ता हमारे जीवन में पूरी तरह प्रतिष्ठित है। लंबे लंबे श्वास, पूरे एकाग्रता के साथ, श्रद्धा पूर्वक, पूरी तन्मयता से कर। लयबद्ध होकर के करते हैं प्राणों के साथ उस परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करते हैं। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सु दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयालु बिरुदु संहारी, हरहु नाथ ममो संग वही जो राम रचिरा खान ओ करी तरक बढ़ावे साखा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर सत संग विवेक ने हो। से कम कितनी बार, 10 बार सब किया करो। बैठो, पसीना आया ना, गर्मी है ना, जल्दी आ जाता है, ऐसे टपकना चाहिए पसीना। और केवल गर्मियों में ही नहीं, सर्दियों में भी। हाँ, जिसको सुबह एक बार ऐसे पसीना टपक पड़ेगा ना, कभी उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रश्न ही नहीं। मोटापा कैसे बढ़ेगा, कहां से आएगी शुगर की बीमारी, शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के भी पेनक्रियास और पुरत
शरीर तंत्र गति से शक्ति मैं ओतप्रोत रहेगा ना। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम ना, ये तीसरा चरण सूक्ष्म व्यायाम का बड़े बुजुर्गों के लिए। यहां हमारे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति में हमने वरिष्ठों को ही आगे रखा है, तो जो वरिष्ठ हैं वे सूक्ष्म व्यायाम और दंड बैठक लगाने की ज्यादा ही मटमटी उठती है। हाँ, जब वो दूसरों को व्यायाम करते हुए देखते हैं तो उनमें भी उत्साह जाग आता है। तो जिनको ज्यादा उत्साह जगे दंड बैठक में, तो खाली एक ही कर लिया करो, मिश्र दंड है ना, उसमें दंड बैठक आ जाते हैं, या पहला दंड और पहली बैठक का अभ्यास थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं सभी। बाकी ये सूक्ष्म है ऐसे ऐसे ना, एक एक अंग प्रत्यंग के लिए। और जो जवान है उनको उनको 12 दंड 8 बैठक करनी। कितनी देर लगती है? थोड़ी देर लगती। मैं आपको करके बताऊंगा भी, है ना, 5-5 बार करूंगा। जो अपने शरीर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बहुत बलवान बनाना चाहते हैं, अतिरिक्त बल अर्जित करना चाहते हैं, और मैंने कहा शरीर को स्वस्थ सुंदर सडोल आकर्षक किसी को रिझाने के लिए नहीं, अभी तो भगवान के लिए, अनंत के लिए, सब कुछ हमारा अनंत के लिए हो। किसी भी काम करने के पीछे 5 तरह की भावनाएं होती हैं, 5 तरह के लक्ष्य होते हैं। एक अपने हम की तृप्ति के लिए, दूसरा आजीविका के लिए, तीसरा आदर्श के लिए, चौथा अनंत की सेवा, चौथा सेवा के लिए, समष्टि के लिए, और 5वां अनंत के लिए। तो हम आदर्श से अपनी यात्रा शुरू करें और समष्टि की सेवा से अनंत की ओर बढ़े, यह क्रम है अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का। ये सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर पाएंगे, दोनों पैरों को तलवों से मिलाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम सबके लिए है, और परंपरागत दंड बैठक का व्यायाम ये जवानों के लिए, युवक युवतियों के लिए। कितना समय लगेगा शरीर को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए? कितना ही बेडोल बेकार हो गया वो शरीर, आप अपने आप को बहुत स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक बना सकते हैं। कितना समय लगेगा? एक एक क्षण में परिवर्तन शुरू होता है, सुनो, और 3 महीने में तो पूरा रूपांतरण कर सकते हैं। और एक एक पल से, एक एक क्षण से रूपांतरण शुरू होता है, प्रारंभ होता है। और वेद में तो कहा, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंतः, तम रात्रि शिश्र उदरे विभर्ति, तम च तम द्रष्टुम अभि संयंति देवा। 3 प्रकार की अज्ञानताओं से बाहर निकाल करके, 3 रात्रियों से बाहर निकाल करके, उसको त्रयी विद्या में दीक्षित करके आचार्य परम पुरुषार्थी बना देता है। और वह ब्रह्मचारी अपने पुरुषार्थ से अभ्युदय और निःश्रेयस को सिद्ध करता है, अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करता है। तम रात्रि स्थिर उदरे भर्ति तम जा तम द्रष्टुम अभि संयंति देवाः, और उसका जीवन इतना दर्शनीय बन जाता है, इतना आदर्श बन जाता है,
विश्व की सारी दैवी शक्तियां उसका दर्शन करने के लिए आती है, उससे मार्गदर्शन पाती है, उससे प्रेरणा पाती है। इतना ऊंचा हो जाता है ब्रह्मचारी का जीवन। इस सहज ब्रह्मचर्य में सबको जीना है। ये अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त और इस अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त की व्याख्या की गुरुकुल कांगड़ी के एक बहुत ऊंचे विद्वान हुए आचार्य अभयदेव जी। मैंने बचपन में उस व्याख्या को पढ़ा था, वैदिक ब्रह्मचर्य गीत नाम की पुस्तक उन्होंने ब्रह्मचर्य सूक्त पर लिखी। फिर पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज ने जब वो पुस्तक पढ़ी और श्रद्धे आचार्य अभयदेव जी से मिले, तब उन्होंने कहा कि मैं भी अनुभव करता हूँ कि ब्रह्मचर्य तो बहुत सहज है। ये सारी सृष्टि ब्रह्म में ही अवस्थित है और उस एक का ही विस्तार सब में है, ब्रह्म के एकत्व का। जब हम सर्वत्र अनुभव करते हैं तब कहां वासना शेष रह जाती है। सहज ब्रह्मचर्य सब में ब्रह्म भाव, वासना का भाव कहां रह गया फिर? माता में, पिता में, गुरु में, शिष्य में, मूत्र में, मित्र में, पुत्र में, सर्वत्र पति पत्नी एक दूसरे में। पति परमेश्वर का रूप है, पत्नी भगवती देवी का, उस जग जननी का ही स्वरूप है। सर्वत्र उसी की महिमा को अनुभव करना, यह है ब्रह्म के एकत्व का अनुभव, सहज ब्रह्मचर्य। हम इसी भाव में प्रतिपल जिए और यह हमारी भाव चेतना खंडित ना हो। ये सूक्ष्म है, हम तो मैंने कहा सब कर सकते हैं। और कठिन व्यायाम मैं कह रहा था पांच पांच बार तो कर लेना सब। मैं कम से कम पांच पांच बार करता हूं तो मेरे जैसे तो हो ही जाओगे, और मुझसे ज्यादा ही बलवान बनना है तो दस दस बार कर लेना, कुछ और ही ज्यादा बलवान बनना है तो पचास पचास बार कर लेना, और महान बनना है बल के क्षेत्र में, सबसे बलवान बनना है तो सौ सौ बार कर लेना, और ही ज्यादा करना है तो पांच पांच सौ बार कर लेना। फिर तो इतने बलवान बनोगे पूरे देश और दुनिया में तुम ही तुम दिखोगे। मेरे मन में दो तीन दिन पहले भी ये विचार आया और पहले भी एक बार आया था कि कुछ लोगों को मैं बहुत बलवान भी बनाऊंगा, कुछ 50-100 ऐसे ब्रह्मचारियों को रखूंगा वो सुबह से शाम तक दंड बैठक ही लगाते रहे, वो सुबह से शाम तक प्राणायाम करते रहे। भाई बल भी तो एक बहुत बड़ी साधना है। तो अभी मैंने देखा कुछ लोग ना तो अष्टाध्यायी पढ़ पाते हैं, ना उनको व्याकरण के सूत्र याद हो पाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी रह करके सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मचारियों को मैं पहले माप तोल करके, उनकी छाती माप के, उनके हाथ पैर माप करके और सारे देश के सामने उनको रख करके, और फिर उनसे नियमित रूप से व्यायाम कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक दिन में कैसे व्यक्ति बलवान शुरू होता है बनना, तीन दिन में क्या होता है, फिर तीन महीने में क्या होता है, और नौ महीने में उनका परिणाम देशवासियों को देंगे तो आप लोग भी देखेंगे ये तो बहुत बलवान बन सकते हैं नौ महीने में। उसमें दोनों ही रखेंगे, कुछ तो ऐसे मोटे मोटे हैं थुल थुल, वो चले तो सब कुछ हिले, वो चले तो सब कुछ हिले, और कुछ ऐसे हैं कि कुछ भी हिले तो वो हिले, हवा का भी झोंका लगता है तो बेचारा ढहने को हो जाता है। ऐसे दोनों को रखेंगे ठीक रहेगा ना, उससे औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। हाँ तो चलो अब सूक्ष्म व्यायाम करवा दिया। जिनसे भारी भरकम व्यायाम नहीं हो पाता है वो बस सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका या कपाल भाती प्राणायाम, तो सूक्ष्म व्यायाम आपका तो करवा ही दिया। आप भस्त्रिका या कपाल भाती प्राणायाम कर लेना, और जो बलवान भाई बहन हैं, जवान भाई बहन हैं, वे मेरे साथ 12 दंड 8 बैठक करेंगे। मैं पांच पांच बार करूंगा खाली, ठीक है, लंबे लंबे श्वासों के साथ बिना बोले पूरी एकाग्रता के साथ। इस साधना
मैं सबको दीक्षित करना है। आइए, जो मेरे साथ कर सकते हैं वो मेरे साथ करेंगे, और जो नहीं कर सकते मेरे साथ वो भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम कर लेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। पांच पांच बार मैं करके बता रहा हूँ, ऐसे जिनको ज़्यादा बलवान बनना है वो 10 बार 25 50 बार एक एक अभ्यास को कर सकते हैं। समय तो लगेगा थोड़ा, 5-5 बार करने में कितना समय लगता है जरा आप काउंट कर लेना। मेरा भी भस्त्रिका हो रहा है, एक श्वास में एक अभ्यास। इनके नाम है पहला साधारण दंड, फिर दूसरा राम मूर्ति दंड। मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं, ऐसे तेजी से भी करता हूं। तीसरा वक्ष विकासक दंड, फिर चौथा हनुमान दंड का अभ्यास, पांचवा वृश्चिक दंड, फिर उसका छठा दूसरा अभ्यास, फिर सातवां पार्श्व दंड, आठवां चक्र दंड, नौवां पलट दंड, दसवां शेर दंड, ग्यारहवां सर्प दंड, बारहवां मिश्र दंड। ऐसे ही बैठकों में भी, अर्ध बैठक, पूर्ण बैठक, फिर साधारण बैठक के बाद फिर राममूर्ति बैठक, फिर पहलवान बैठक, फिर हनुमान बैठक, ऐसे ये इनके नाम है। एक व्यायाम एक सांस के साथ, व्यायाम भी जितने धैर्य पूर्वक किए जाएंगे उतने ज्यादा लाभकारी होते हैं। अब इसमें जब दोनों तरफ से करते हैं ना तो कुछ 10 बार भी हो जाते हैं। जैसे हनुमान दंड है, वृश्चिक दंड है, जब दोनों तरफ से करते हैं, चक्र दंड है, तो 10-10 बार हो जाते, कोई बात नहीं होने दो। पार्श्व दंड है लंबे लंबे श्वासों के साथ, मेरा भस्त्रिका दंड के साथ ही, और आप वैसे कर लीजिए भस्त्रिका। Thank you.
प्लीज। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी उमा कहऊं में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी गुरु के वचन प्रतिदिन जी सपने हूँ सुगम सुख सिद्धि आइए अभी खड़े हो जाइए। ज्ञान ज्ञान की हो विरा बिन गुरु हो ही की ज्ञान ज्ञान की हो ही विराग बिनु का वही वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिए सुख जानी गुरु के वचन
प्रतिदिन जे गुरु के बचन प्रीति नहीं जे सपने सुगम सुख सिद्धि देगी सपने सुगम सुख सिद्धि देगी मुद मंगल मये संत समाज जो जग जंगम तीरथ राज गुरु गोविंद दो गोविंद दो खड़े काके लागम पाए बलिहारी गुरु आपने बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए सब धरती धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखान जा कबीरा हरि के कबीर गुरु रूठते कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं भूत सहा गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपट बनो जीवन में प्रथम कोटि के बनो गृहस्थ बनो तो प्रथम कोटि के बनना और योगी सन्यासी बनना है तो भी प्रथम कोटि के बनना। शेरविंद कहते थे मुझे कम से कम 100 योगी चाहिए, यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मुझे 100 नचिकेता चाहिए, और सिद्धानंद कहते थे जितना संसार का उपकार एक योगी सन्यासी कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अपने जैसे सैकड़ों सन्यासी चाहिए, इन सब महापुरुषों के सपनों को पूरा करना है। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस कर बलिदानों की। जो भाई बहन
आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहते हैं, ऐसे युवक युवतियों के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 से 12 जुलाई तक श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में युवाओं के लिए एडवांस योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में भाग लेने के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 01334-24008-24410724672467। आज जरूरत भारत माँ को। और जिनका अभ्यास हो वे बिना सहारे के, जिनका अभ्यास नहीं है वो दीवार के साथ शीर्षासन कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, सिर्फ डिस्क जैसे जटिल रोग नहीं होने चाहिए। जितनी देर शीर्षासन करते हैं उतनी ही देर या तो शवासन कर लें या खड़े हो जाएं, तो शक्ति का प्रवाह सामान्य हो जाता है। कुछ भाई बहन भी कर पा रहे हैं, शेष जिनको व्याधि विशेष नहीं है, उच्च रक्तचाप की, हृदय रोग की, स्लिप डिस्क की, कोई जटिल व्याधि से पीड़ित नहीं है, तो कर सकता है। सावरकर जी 103 साल जिए और वो जब तक जिए अर्थात 103 साल तक वो शीर्षासन करते रहे। 103 साल वो तो एक एक घंटा क्या करते थे, आधे से एक घंटा शीर्षासन। बहुत प्रज्ञावान बुद्धिमान। जो सर्वांगासन शीर्षासन करते हैं उनकी आंखें 100 साल तक ठीक रहती हैं, जो सर्वांगासन शीर्षासन करते हैं उनके बाल 100 साल तक अच्छे रहते हैं, और जो सर्वांगासन और शीर्षासन जिनको जिसको आसनों का राजा कहा जाता है ये करते हैं, वे स्वस्थ, सुंदर, सुडोल, आकर्षक और कम से कम शतायु होते हैं। अब 100 साल जीना तो चाहते हैं तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। धन से थोड़ा सा सुख मिलता है और उसकी इतनी महिमा हो गई है, चारों तरफ इतना आकर्षण हो गया है, जिसको देखो वही धन के पीछे दौड़ रहा है अंधा होकर के, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर मुट्ठी। अरे धन से बड़ी महिमा है इस तन की, धन से बड़ी महिमा है इंद्रियों की, मन की, धन से बहुत बड़ी महिमा है आत्मा की, परमात्मा की। सारा धन उसी से तो है,
इसकी महिमा भूल गई थी, मैं याद दिलाता हूं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे और एक एक आसन को 15 से 20 सेकेंड कम से कम रुक करके करेंगे, बहुत तीव्रता से नहीं। व्यायाम गतिपूर्वक कर सकते हैं लेकिन आसन तो स्थिरता पूर्वक ही करने चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से आसन शुरू होता है। स्थिर सुखम, सुखपूर्वक आसन, प्रयत्न शैथिल, प्रयत्न को शिथिल करके अनंत समापत्तिभ्यम, अनंत के प्रति समर्पण। 12 आसनों का पैकेज सबको पता है ना, सबको करना है। एक एक आसन 2-3 बार से लेकर के 5-10 और रोग विशेष होने पर 15 बार कर सकते हैं। आसन मोटापा, मधुमेह, पेट की बीमारियां, मेरुदंड के रोग, इनफर्टिलिटी जैसे कुछ रोग विशेष होते हैं, इनमें यौन रोग आदि में भी विशेष लाभ करते हैं, खास करके सर्वांगासन शीर्षासन जैसे। ऐसी 5-7 बीमारियां हैं जिनमें आसनों का विशेष लाभ है और युवाओं के लिए व्यायाम आसन उनके सर्वांगीण शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास के लिए लाभकारी होते हैं। ये 12 आसन संपूर्ण आरोग्य के लिए है। 12 आसन कर लेंगे तो संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। कठिन आसन ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हमने इसके ऊपर एक लंबे समय तक अध्ययन, अनुसंधान, शोध, साइंटिफिक रिसर्च किया है ना, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। बाएं हाथ नीचे, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं। हर एक आसन को विधि पूर्वक करना चाहिए, विधि मेथड, समय पूर्वक। समय की बहुत बड़ी भूमिका है, हमारे जन्म होने से लेकर के जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने से लेकर के और हमारी मृत्यु तक काल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, समय की। विधि पूर्वक, समय पूर्वक, संकल्प समर्पण के भाव के साथ जब योग करते हैं ना तो उसका पूरा लाभ मिलता है। ये पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे आसन है। मंडूकासन, शुष्कासन, वक्रासन, मंडूकासन, फिर ये 4 आसन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। आसनों के जब लाभ बताते हैं ना तो एक होता मुख्य लाभ, एक होता गौण लाभ। आसन का मुख्य लाभ जो बताया जा रहा है वो लाभ सबसे अधिक होता है। उसके अलावा गौण लाभ तो बहुत होते हैं संपूर्ण अस्तित्व के लिए।
दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। ऐसे फिर दोनों हाथ साइड से नीचे है, पैर सीधे, इसको दंडासन कहते हैं, ऐसे बैठने को। ये बारह आसन करवाए, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैं योग के बेनिफिट्स को कहूँ तो मॉडर्न मेडिकल साइंस किस लिए काम कर रहा है? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहैबिलिटेशन एंड पॉल्यूशन, ये लक्ष्य हैं, ये ध्येय हैं, ये उद्देश्य हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस। अब उसके अकॉर्डिंग हम योग साइंस की व्याख्या करते हैं। दहना पैर मोड़ लो। प्राइमरी प्रिवेंशन उसको कहते हैं कि बीमार होने ही ना दिया जाए। दाहिने पैर मोड़ लिया, बाएं पैर सीधा और ऐसे घूम गए। एलोपैथी में बहुत कम ऐसी मेडिसिंस हैं जिससे कि बीमार होने से इंसान को बचाया जा सके। उसके लिए कुछ टीकाकरण की प्रक्रियाएं की गई हैं और उसमें भी अभी बहुत संशोधनों की आवश्यकता है, चाहे वो चेचक का हो, चाहे वो हेपेटाइटिस का हो, चाहे वो और भी कुछ बीमारियों के लिए। ऐसा वो सोचते हैं कि उससे हम रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे कि जिससे कि उन बीमारियों से बचा जा सके। दूसरी तरफ से प्राइमरी प्रिवेंशन में तो वो मात्र 1% ही सफल हो पाए हो। वक्रासन और योग साइंस में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा, इस भारतीय जीवन पद्धति में कोई प्रारब्ध बहुत ही जोर मार रहा हो या कोई जेनेटिक रीजंस बहुत क्रिटिकल हो या कोई बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन हो जाए, माने अपवाद को छोड़ करके, वो 1% प्राइमरी प्रिवेंशन कर पाते हैं तो हम योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से, इस भारतीय जीवन पद्धति से 99% रोगों का प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये तो उनके पहले पैरामीटर पर हमने योग की विशेषता को कहा। अब बाएं पर मोड़ लीजिए, दहना पैर ऊपर से, प्राइमरी प्रिवेंशन, हम 99% बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने कहा अब कोई अपवाद हो जाए तो एक अलग बात है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन उसको कहते हैं, बाएं पर नीचे दहना ऊपर, एक बार कैंसर हो गया फिर क्या कहते हैं, रेडिएशन क्यूमो करके, ऑपरेशन करके उस पार्ट को निकाल देते हैं बॉडी से। जो है ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो एक ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। किडनी में कैंसर हो गया तो एक किडनी को ही निकाल देते हैं। फेफड़े में कैंसर हो गया तो फेफड़े को ही निकाल देते हैं। फिर रेडिएशन देते हैं, क्यूमो देते हैं, ऐसे ही सर्जरी करके या कुछ बहुत ही खतरनाक दवाइयां दे करके एक बार कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कैंसर पैदा करने वाली बॉडी में जो टेंडेंसी है उसको खत्म करने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल ह्यूस्टन में एमडी एंडरसन है, वहाँ हमारी 3 बैठकें हुई। उन्होंने कहा बाबा जी हम आपके साथ योग और आयुर्वेद में रिसर्च करना चाहते हैं जिससे कि हम कैंसर से मुक्त कर सके दुनिया को, क्योंकि हमारे पास में इसका क्योर नहीं है, हम एक तरह से ये प्रिवेंशन ही कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं, एक्यूट मैनेजमेंट कर सकते हैं, पैलिएशन कर सकते हैं, मरने को है तो थोड़े उसको थोड़ा कम पेन हो ऐसा कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। ना, उसमें समाधान नहीं। हम क्या करते हैं,
एक बार किसी को कैंसर हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया माना, और उसका ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ा, उसका किडनी रिमूव करना पड़ा, एक नहीं हजारों हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनको आज से 10, 15, 20 साल पहले कैंसर हुआ था, आज योग करके उन्होंने कैंसर को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। यह है सेकेंडरी प्रिवेंशन। पैर ऊपर तो मैं हाथों, हम कैंसर का सेकेंडरी प्रिवेंशन 100% कर पा रहे हैं। हार्ट अटैक एक बार हुआ तो मैं बोलता हूं ना, हार्ट की ओरिजिनल लाइफ कितनी है? 400 साल, और ऑपरेशन के बाद 10 साल। हमारे बहुत से डॉक्टर्स भी बैठे हैं, हमारी बहन आई हुई अमेरिका से, डॉक्टर हैं खुद, दोनों हस्बैंड वाइफ आए कि बाबा जी हम ये देखने के लिए आए कि योग आयुर्वेद और ऋषियों की ज्ञान का आधार लेकर के पतंजलि योगपीठ जो कर रहा है उसका विस्तार तो पूरी दुनिया में होना चाहिए, इतनी श्रेष्ठ सेवा है। हार्ट के बारे में सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक बार किसी को पैरालिसिस हो गया, मैंने 5-5 बार लोगों को पैरालिसिस होते हुए देखा है, दवाइयां ले रहे हैं फिर पैरालिसिस हो रहा है। हार्ट, पैरालिसिस, कैंसर, और ऐसे ही अस्थमा आदि के अटैक्स पड़ते हैं, SLA, MS, ऑटोमेटिक डिजीज के, डिप्रेशन के, एक्यूट डिप्रेशन के अटैक्स पड़ते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, दोबारा से उस स्थिति से बचाया जा सके इस व्यक्ति को, इसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस से एडवांस है हमारा योग साइंस। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में कंट्रोल में हम नेचुरली कंट्रोल करते हैं, किसको? BP को, शुगर को, थायराइड को, अर्थराइटिस को, सारे रोगों को। याद रखना, हर मर्ज हर इंसान के भीतर है, कैंसर भी हर इंसान के भीतर है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं इनको बोला जाता है प्री कैंसर सेल्स, और यदि हमने ध्यान नहीं दिया खान पान आहार विचार पर तो वही कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। And if you are doing pranayam or yoga abhyas, then cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. ये मेरा अपना सत्य नहीं है, ये तो medical science वाले भी कहने लग गए हैं। Every person have cancer cells in the body. Every person have every disease in the body. And if you are doing yoga abhyas, आप योगा अभ्यास कर रहे हैं तो जहाँ योग है वहाँ रोग रह ही नहीं सकता। योग और रोग का ऐसे ही बैर है जैसे अंधेरे और उजाले का। कंट्रोल ही नहीं करते हम, एक्यूट मैनेजमेंट करते हैं हम, और ये चार ही नहीं पांचवा हम काम करते हैं, क्योर। और जो बात क्रिटिकल पेशेंट हैं उनका रिहैबिलिटेशन, जैसे बुढ़ापे में चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत जल्दी रिहैबिलिटेट करते हैं हम और उसको वापस सामान्य अवस्था में ले आ पाते हैं, वो तो सामान्य में ला भी नहीं पाते। और पैलिएशन, जो मरणासन्न है उनको ज्यादा पीड़ा ना हो इसके लिए पैलिएशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। ये 7 बड़े उद्देश्य कहे जाते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के। इन 7 में यदि वो 1-5% 10% वो कामयाब हैं तो हम 99% से लेकर 100% कामयाब हैं इन सभी मकसदों को पाने के लिए। एक कोई बीमारी का क्योर कर दे तो उसको दुनिया में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, जो सबसे बड़ा माना जाता है। कोई थायराइड को क्योर कर दे, कोई BP को क्योर कर दे, थायराइड, BP, अस्थमा, इनको कोई क्योर कर दे तो क्या दिया जाता है उसको दुनिया में? नोबल पुरस्कार। अभी हमने
एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का बीपी क्योर कर दिया है, करोड़ों लोगों का थायराइड क्योर कर दिया है, करोड़ों लोगों का अर्थराइटिस क्योर कर दिया है। और उनके यहाँ तो क्या होता है एलोपैथी में, पेन मैनेजमेंट, पेन को मैनेजमेंट करके रखते हैं, उसको बोला ही जाता है ट्रीटमेंट को ही बोला जाता है पेन मैनेजमेंट मेडिसिंस। बीपी को मैनेज करके रखते हैं, शुगर को मैनेज करके रखते हैं, अर्थराइटिस अस्थमा को मैनेज करके रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रखते हैं, हम क्योर करते हैं। 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों का हमने क्योर किया है, चाहे वो हेपेटाइटिस है, चाहे कोलाइटिस है, चाहे हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, सोरायसिस, इतना ही नहीं थायराइड हाइपरटेंशन से लेकर के लंग फाइब्रोसिस, लिकोडर्मा स्क्लेरोडर्मा से लेकर के स्किन की भयंकर प्रॉब्लम्स, 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों का हमने क्योर किया। बस उसके ऊपर एक ही काम बाकी रह गया है और उसको बोलते हैं क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बहुत जल्दी ही हम पतंजलि योगपीठ में योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथ पर और भारतीय जीवन पद्धति पर, जो वैदिक जीवन पद्धति है, वैदिक ज्ञान है, इस सब पर चार क्षेत्रों में हम वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले हैं। ज्ञान और विज्ञान का संगम, योग आयुर्वेद, गो एवं पशुधन आधारित कुदरती विषमुक्त खेती और चौथा वेद ज्ञान। इन चारों विषयों में हम साइंटिफिक रिसर्च शोध करने वाले हैं और मुझे लगता है 2-3-5 सालों में हम इस क्षेत्र में बहुत बड़ा शोध कर चुके होंगे और पूरी दुनिया इन चार विद्याओं पर गौरव अनुभव करेगी और भारत को इन चारों क्षेत्रों में हम विश्व की महाशक्ति। जब कोई राष्ट्र महाशक्ति बनता है ना तो उसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे क्रिकेट में तो आज भी हम महाशक्ति हैं, क्रिकेट में तो सुपर पावर हैं, गिल्ली डंडा खेलना सीख गए हमारे बच्चे, अब इससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है लेकिन गौरव तो है कहने को कि ठीक है हमारे बच्चे गिल्ली डंडा खेलना आ गया उनको। हम क्रिकेट के क्षेत्र में ही नहीं, इस भारत को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी विश्व की महाशक्ति बनाएंगे, हम सदाचार में महाशक्ति बनाएंगे, भ्रष्टाचार में तो महाशक्ति हैं ही हम, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रखो, सामने से उठाओ भुजंगा से। मैंने कहा था WHO यही बनेगा, उठाओ सामने से पूरा, फिर नीचे आ जाओ, 2-3-5 बार ऐसे कर सकते, कमर में दर्द है तो अधिक बार कर सकते। ऊपर उठा करके ऊपर रोक के रखते हैं थोड़ी देर, सलभासन, नान्यः पंथा विद्यते यनायः। किसी को अपनी कमर ठीक रखनी है ना तो योग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कमर में दर्द होगा, कोई नहीं बचा सकता। योगम शरणम गच्छामि, योग की शरण में आना पड़ेगा, योगम शरणम गच्छामि। Thank you.
दोनों तरफ से उठा देते। अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी ये कहने लगे हैं कि भाई आपको हमेशा निरोग रहना है ना, तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है। देखो अब एलोपैथी की दूसरी बीमारियां बताता हूँ, इमरजेंसी में लेनी पड़ती है वो एक अलग बात है। क्या है बड़ी बीमारी एलोपैथी की? ये चिकित्सा पद्धति, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस, ये खुद अपने आप में एक बीमारी है जो बीमारियों के इलाज के लिए ढूंढी गई है। ये विज्ञान के नाम पर बहुत बड़ा इसमें अज्ञान भी है। क्या है? राइट साइड में पैर, लेफ्ट साइड में गर्दन, घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना। इसके साइड इफेक्ट बहुत है। पहले तो एक एक बीमारी, एक एक डिजीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस, फिर दवा और दवा के साइड इफेक्ट्स। योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्वेद का, नैसर्गिक जीवन पद्धति का, भारतीय जीवन पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसके साइड बेनिफिट्स जरूर होते हैं। आपने योग किया रोग मिटाने के लिए, आपका नशा भी छूट जाएगा, आपका मांसाहार भी छूट जाएगा, आपका दुराचार व्यभिचार भी छूट जाएगा, असंयम से मुक्त हो जाएंगे, अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। ये मरकटासन बहुत अच्छा है। इसका दूसरा अभ्यास घुटनों में पंजों में फासला, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एक घुटना जमीन पर दूसरा घुटना पंजे के ऊपर। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर, एक्टर, एक्ट्रेस, सभी प्रोफेशनल्स जो शरीर के प्रति जागरूक हैं, सभी भाई बहन अब मरकटासन करने लगे हैं। जो मॉडलिंग करते हैं वो भी, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने फिगर्स को अच्छा बनाने चाहते हैं वो भी, सभी कर रहे हैं मरकटासन। क्यों? इसके बिना कोई दूसरा कमर का संपूर्ण और वैज्ञानिक व्यायाम नहीं हो सकता, साइंटिफिक एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज आपको करनी है कमर की, तो यही होगा मरकटासन। पवन मुक्तासन, इन 12 आसनों में संपूर्ण आरोग्य छिपा है। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं। जो 12 आसन कर लेगा उसको कठिन आसन करने की आवश्यकता भी नहीं। यदि नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, शीर्षासन नहीं कर पाता है तो अनुलोम विलोम से लाभ हो जाएगा। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए,
अब अंतिम तीन अभ्यास थाई प्रोडक्शिप्स के लिए शरीर को स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक बनाने के लिए शरीर इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रहे हमारा, इस पर विजय पाए हैं हम। शरीर इंद्रियों और मन के गुलाम दास नहीं बने, दासत्व से मुक्ति पानी है। आपको तो स्वामी बनना है और स्वामी किसी और का नहीं, अपने ही स्वामी बनो, स्वयं के स्वामी, अपने ही स्वरूप में ठहरो, अपने ही स्वधर्म में ठहरो, अपने ही स्वरूप में ठहरो। यही तो है योग। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम्। निज स्वरूप में ठहरना, निज धर्म में, निज स्वभाव में, स्वयं में कहां ठहर रहे होते हैं? शरीर इंद्रिय और मन की पराधीनताएं। बात दुख देने वाली है। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना, कम से कम 5-5 बार सबको करना चाहिए। जिनको मोटापा बढ़ जाता है उनको हम 10 अभ्यास 10-10 बार से लेकर के 50-50 बार करा देते हैं और 1 महीने में 15 से 20 किलो वजन घटा देते हैं। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन और इस योग शिविर के बाद रोगियों के लिए शिविर होगा और हम 1 सप्ताह में 5 से 10 किलो वजन यहीं पर घटाएंगे वेट मशीन लगा करके। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जितने भी मोटे मोटे हैं सब मोटे मोटे मोटी मोटी बहनें, मोटे मोटे भाई सब आएंगे, अपना वजन घटाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी, अरे ये तो बहुत सरल रास्ता है योग का। वजन घटाएंगे, सब दवाइयां छुड़ाएंगे, 99% दवाओं से पहले ही दिन से हम मुक्ति दिला देते हैं। यह है बड़ी बात। मैं कहता हूं 99% दवा, 99% ऑपरेशन से हम मुक्त कर देते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं। जीरो कॉस्ट हेल्थ बजट की कोई दुनिया की पैथी नहीं है जो जीरो कॉस्ट पर आपको पूरा आरोग्य दे सके। योग एक ऐसी पैथी है जिसमें जीरो कॉस्ट पर आप पूर्ण आरोग्य पा सकते हैं। जीरो बजट पर कंप्लीट हेल्थ, यह है चमत्कार योग का। इसलिए हमने आदरणीय मोदी जी से भी कहा कि प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक तो योग को अनिवार्य रूप से लागू करो देश की शिक्षा व्यवस्था में, और वो निश्चित रूप से इसको करेंगे। और जब शिक्षा में सदाचार बढ़ेगा योग से, योग और अध्यात्म से जब शिक्षा में सदाचार बढ़ेगा तब देश में भ्रष्टाचारी ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। ये होगा काम बड़ा। बिना सदाचार को बढ़ाए भ्रष्टाचार को कैसे मिटा सकते हैं? बिना दीप जलाए अंधेरे को कैसे भगा सकते हैं? जब सूर्य उगता है तो अंधेरा अपने आप छट जाता है। जब योग का सूर्य उदय होगा तो सदाचार बढ़ेगा और सदाचार बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा देश से। ये है बड़ा संकल्प हमारा। ये ही काम अब होना है और इस देश को आगे लेकर के जाना है। ये काम होगा भाइयों बहनों। ये 12 अभ्यास थे। ये 12 अभ्यास संपूर्ण आरोग्य के लिए। अंत में थोड़ा सा सवासन। प्रतिपल जागरूक रहना, होश में रहना, योगस्थ रहना, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों और मन के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी व्यवहार आचरण के स्तर पर, जो कुछ हम करें योगस्थ होकर के करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योगः समाधिः योगः समाधानम्। भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रह करके
स्वकर्मणा तम अभ्यर्च स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नर स्वेन कर्मणा सम्मदेत। अनंत के लिए अपने कर्मों की आहुति अर्पित करते हुए इस जीवन को यज्ञ बनाना, ज्ञान और निष्ठा को आधार बनाकर के पुरुषार्थ करते जाना, पुरुषार्थ से अभ्युदय निश्रेय सिद्ध होगा। यतो अभ्युदय निश्रेय स सिद्धि स धर्म, आपके जीवन में धर्म प्रतिष्ठित। आंतरिक पुरुषार्थ को निश्चयस और बाह्य पुरुषार्थ को अभ्युदय कहा गया है, और इस जब ये बाह्य और आंतरिक पुरुषार्थ घनघोर तप हमारा होता है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा अतिरिक्त में हम जीते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं। श्वासों के साथ स्वरूप में ठहर, बार बार हम एक शब्द सुनते हैं भारत में, वह आध्यात्मिकता। आज शवासन के बाद प्राणायाम ध्यान करते हुए आपको इस आध्यात्मिकता को भी पूरी तरह से समझाएंगे, इसका जो व्यवहारिक दर्शन है, व्यवहारिक स्वरूप है, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो इसका व्यवहारिक पहलू है, वो आपसे कहेंगे। मैं बार बार कहता हूं योग एक कल्प वृक्ष की तरह है, तो योग अर्थात आध्यात्मिकता, योग आध्यात्मिकता को हमने एक कल्प वृक्ष की तरह माना है, और उसकी कल्प वृक्ष की तरह कल्पना करके आज इस मंच पर उसको प्रस्तुत किया है। योग एक कल्प वृक्ष की तरह है, कल्प वृक्ष के रूप में और एक टेबल के रूप में आज हम ने इस आध्यात्मिकता को इस मंच पर दर्शाया है, आपको इससे पूरा अवगत कराएंगे। श्वासों के साथ जब पूरी तरह से तन्मय होकर के साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से शरीर इंद्रिय और मन को स्थिर करके हम आत्मस्थ हो जाते हैं, प्राणों के साथ प्राणों का आश्रय लेकर के हम सहज हो जाते हैं, तो पूरा शरीर विश्राम पाता है। फिर दोनों हाथ ऊपर उठा करके हाथों की थैलियों की गरम गरम ऊर्जा उष्मा का अंजन आंखों पर करते हुए, चेहरे पर करते हुए आंखें खोल लेते हैं, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। आज हमने मंच पर योग और अध्यात्म को एक कल्प वृक्ष की तरह दर्शाया है। योग और आध्यात्मिकता को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। योग के नाम पर, धर्म और अध्यात्म के नाम पर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम आप सब भाई बहनों से अपेक्षा करेंगे और आपके साथ साथ आस्था के माध्यम से करोड़ों भाई बहन, अब एक जून से पहले तो आस्था को भी संकट में डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब पूरा देश ही संकट मुक्त हो रहा है तो आस्था भी संकट से मुक्त हो गया, और एक जून से आस्था का सीधा प्रसारण देश और दुनिया के करोड़ों दर्शकों को प्रभात में 5 बजे से ही देखने को मिल गया। तो आज मंच से योग का यह जो कल्प वृक्ष है, ये देखने को मिल रहा है ना, क्या है इसमें, नीचे लिखा हुआ है, एक तरफ एक ऋषि जी बैठे हुए हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान दीक्षा दे रहे हैं, धर्म अध्यात्म की दीक्षा दे रहे हैं। जो भी हम करें
योगस्थ होकर के करें, योगस्थ कुरुकर्माणि। हमें बोलना ना पड़े, हमारा जीवन बोले। स्वेन कर्मणा संवदेत, अपने कर्म से बोलो। श्रद्धेय आचार्य भाष्य जी महाराज जी इसलिए बार बार कहते हैं, हजारों शब्दों से एक कर्म की ध्वनि ज्यादा सबल होती है। हजारों शब्दों से एक कर्म की ध्वनि ज्यादा सबल होती है। योगस्थ कुरुकर्माणि, स्वेन कर्मणा संवदेत, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने काम से उसकी पूजा करो। तस्मात योगी भव अर्जुन, अष्ट चक्र जागृत होंगे, देह देवालय शिवालय बनेगा। योग को, स्तुति प्रार्थना उपासना को, प्रभु की आराधना को, ध्यान समाधि को हम एक शब्द में बोलते हैं, वह क्या है? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से क्या पैदा होता है आपके भीतर? आध्यात्मिकता से आपके भीतर कर्तव्य भाव पैदा होता है। इस संपूर्ण अस्तित्व के, समष्टि के, सह अस्तित्व के, मनुष्य और मनुष्यतर जीव जगत के हम पर कितने उपकार हैं। विचार करना आंखें बंद, और इस संपूर्ण अस्तित्व को विवेक के साथ देखना, विवेकमय दृष्टि, तो आपको अनुभव होगा स्वतः भीतर से कि एक एक दिन की जिंदगी जीने के लिए ये संपूर्ण अस्तित्व, ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड के पीछे जो ब्रह्म शक्ति है उसका कितना बड़ा उपकार है मुझ पर। तो आध्यात्मिकता से कर्तव्य भाव जागृत होता है, और कर्तव्य भाव से हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है, और वह पुरुषार्थ जब आंतरिक रूप से जागृत होता है तो हम अपने शरीर, इंद्रियों, मन और मन के विकारों से, भीतर की दुर्बलताओं, पराधीनताओं से, वासनाओं से, कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं निःश्रेयस। जब ये पुरुषार्थ आंतरिक स्तर पर होता है तब निःश्रेयस, और बाह्य स्तर पर जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, मैंने बार बार कहा है, 1-5% ही हम अपने ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग कर पाते हैं। 95-99% तो हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा ज्ञान सुप्त ही रहता है। योगी जब योग करता है तो उसका अपरिमित ज्ञान, बल, शक्ति, सामर्थ्य, स्वाभिमान जाग उठता है, और एक व्यक्ति में हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों जितनी शक्ति पैदा हो जाती है, और वह मानव नहीं महामानव बन जाता है, और पूरे विश्व में अपनी आभा बिखेरता है, स्वयं जागृत और प्रकाशित होकर के सारे जगत को प्रकाशित, आलोकित कर देता। महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, योगी शरविंद, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गौतम कालाचेमनी, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि भरद्वाज, आर्यभट्ट, सब ये ऋषि मुनि, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्री हनुमान, सब ये जागृत प्रकाशित महापुरुष थे। इन्होंने अपना निश्चय सिद्ध किया था और अभ्युदय किया था। हमें भी ऐसा योग करना है जिससे कि हमारे भी जीवन में हमारा अभ्युदय निश्चय से सिद्ध हो, पुरुषार्थ चतुष्ट हमारा सिद्ध हो, धर्मार्थ काम मोक्ष हमारे सिद्ध हो, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यही मोक्ष है। ये सबको दिखा दाहिनी तरफ कल्प वृक्ष, इसलिए हमने कहा था योग एक कल्प वृक्ष की तरह है, और उसकी कल्पना बहुत दिनों के बाद इस रूप में सामने आई आप सबके बीच में। ये अब पहली बार ये कल्पना रखी है, आप सबको भी अभिनंदन है, और ऐसा ही सबको जीवन जीना है, आध्यात्मिक जीवन जिससे आपका अभ्युदय निश्चय सिद्ध हो। इसी को एक टेबल के माध्यम से हमने कहा है, यहाँ नीचे से ऊपर तक योग और अध्यात्म कैसे पुष्पित और पल्लवित तो होता है एक कल्प वृक्ष की तरह, और ये बाईं तरफ एक टेबल रखी है। इस टेबल में सबसे ऊपर है आध्यात्मिकता, सबसे ऊपर क्या है? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से कृतज्ञता, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और आप देखते भी रहेंगे। आध्यात्मिकता से कृतज्ञता, कृतज्ञता से कर्तव्य भाव, कर्तव्य भाव से पुरुषार्थ,
और बाह्य पुरुषार्थ अभ्युदय, आंतरिक पुरुषार्थ निःश्रेयस, इसी को लौकिक पारलौकिक उन्नति कहते हैं और इसी को कहते हैं धर्म। और धर्माचरण से सिद्ध होता है पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म, अर्थात बाह्य आंतरिक जो हमारा पुरुषार्थ, अर्थ धर्म पूर्वक अर्जित ऐश्वर्य, काम अर्थात धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक वेदानुकूल आचरण से पूर्ण होती हैं हमारी सभी शुभ कामनाएं, हमारे शिव संकल्प। और मोक्ष धर्म अर्थ और काम की सिद्धि होने पर मोक्ष तो उसका परिणाम होता है। पुरुषार्थ के ही पूरक तत्व हैं, पुरुषार्थ हमारा सही दिशा में हो, पुरुषार्थ हमारा सात्विक हो, पुरुषार्थ हमारा परमार्थ को सिद्ध करने वाला हो, तो पुरुषार्थ की पूरक तत्व, पुरुष का अर्थ, पुरुष का प्रयोजन क्या है। आत्मा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है तो ये तो लिंग भेद, तो ये दो भिन्न भिन्न आकृतियां तो इस प्रकृति को आगे बढ़ाने के परमेश्वर ने बनाई हैं। आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता है। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष का प्रयोजन क्या है, आत्मा का प्रयोजन क्या है, वही है पुरुषार्थ। आत्मा का प्रयोजन, हमारे अस्तित्व का प्रयोजन, वो पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ के पूरक तत्व हैं ज्ञान और निष्ठा। ज्ञान और निष्ठा पूर्वक किया हुआ पुरुषार्थ ही हमें जीवन की पूर्णता की ओर लेकर के जाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पुरुषार्थ की पूरक तत्व हमने कही ज्ञान और निष्ठा। पुरुषार्थ ज्ञान और निष्ठा, इसको एक शब्द में कहें तो यह है वेद विद्या। इस वेद विद्या को ही कहा जाता है त्रयी विद्या, ऋग यजुः साम अथर्व, ये त्रयी विद्या के ग्रंथ हैं। और त्रयी विद्या में ज्ञान कर्म और उपासना, अर्थात शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, शुभ ज्ञान शुभ कर्म शुभ उपासना, सात्विक ज्ञान सात्विक कर्म सात्विक उपासना, जैसे आपको अनुकूलता वैसे समझ लेना। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, और एक ही सत्य को अनेक प्रकार से कहा जाता है। इस पुरुषार्थ को और अधिक समझने के लिए, पुरुषार्थ जब सही दिशा में होता है तो क्या सिद्ध होता है जीवन में, इसी को दिव्य जीवन के चार साधनों के रूप में हमने इस टेबल में दर्शाया है। सबसे नीचे दिव्य जीवन के सार साधन, और उसमें सबसे पहले बताया है शुभ पुरुषार्थ, शुभ आलंबन, शुभ अभ्यास, और इन तीनों का परिणाम होता है शुभ प्रारब्ध। इन चारों का परिणाम होता है जीवन में पूर्णता। अब योग का पुरुषार्थ हो रहा है, इससे सात्विक और पुरुषार्थ कोई हो ही नहीं सकता। योग सबसे सात्विक पुरुषार्थ है, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, सबसे ऊंचा तप है योग का तप। योगी होना सबसे ऊंची उपलब्धि है, तस्मात योगी भव अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माण, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोधिका, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात योगी भव अर्जुन। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, सबको योगी बनना है। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, लंबे लंबे श्वास, एक अनुष्ठान की तरह करना प्राणायाम को,
पूरी निष्ठा के साथ। ज्ञान और निष्ठा को आधार बना करके समर्थ गुरु सत्ता का मार्गदर्शन पा करके वेदानुकूल पुरुषार्थ करना, जीवन में सारे संकल्प तुम्हारे पूरे होंगे, पूर्णता की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होगी। योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं, योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं, योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं भोगी नहीं के बाद कपाल भाती, मूलाधार से सस्रार तक ध्यान करना अष्ट चक्रों में। अष्टा चक्रानवद्वारा देवानाम पूरयुध्या तस्याम हिरण्यया कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। देह देवालय शिवालय, यही हिमालय, यही कैलाश मानसरोवर है, यही अमरनाथ, यही मक्का मदीना, यही गुरुद्वारा, यही मंदिर, यही महामस्जिद, यही पर है तेरे खुदा ऑलमाइटी गॉड, वाहे गुरु अकाल पुरख, तेरी ही मूरत में उसकी सूरत है, प्यारी पहचान तो सही। तू ही राम, तू ही घनश्याम हनुमान शिव है, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती। कपाल भाती करते जाओ, स्वयं दयानंद बनो, स्वयं विवेकानंद बनो, खुद महावीर बनो, बुद्ध बनो, खुद नानक बनो, खुद गुरु गोविंद सिंह बनो। तुम ही गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि अत्रि भृगु वशिष्ठ, तुम स्वयं ऋषि हो, तुम अमृत पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रः वयं पुत्रमदितेरियो विधर्ता, हम ईश्वर की बेटी बेटियां हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम स्वयं ऋषि हैं, अपने गौरव को पहचानो, हम भगवान के बेटे बेटियां, भारत माता के बेटे बेटियां, ऋषियों की संतान हैं। योग से दूर हो गए थे, आओ योग की शरण में, तुम स्वयं देव बनोगे, ऋषि बनोगे, असुरत्व से मनुष्यता, मनुष्यत्व से देवत्व, देवत्व से ऋषित्व की ओर आरोहण पाना है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, रुकना नहीं है, चरी बेटी चरी बेटी, ठहरना नहीं है, पराजित नहीं होना है। अहम इंद्रौ न पराजिज्ञे कृतम्ये दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहित अग्निहस्मि जन्मना जात वेदा घृतम्ये चक्षमृतम मासन अर्कस्थिधात रजसौ युमान अजस्रो घर्मो भविरस्मि नाम। कपाल भाती, भाव से पूरे एकाग्रता से करना, आज ही योगी बनना है मुझे, मैं योगी बनने के लिए ही पैदा हुआ, न जाने कितने जन्मों में क्या क्या बन करके देखा हो, राजा बने महाराजा बने, रानी बनी महारानी बनी, धनवान बने गुणवान बने बलवान बने विद्वान बने, अब तो योगी बनना है, अब तो भगवान के लिए जीना है, ये जीवन भगवान के लिए, योग के लिए। बहुत कुछ पा करके देखा, बहुत कुछ खा करके देखा, बहुत कुछ सुख देखा, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, काम का, भोग का, वासना का, अब तो योग का समय। कपाल भाती, पूरी निष्ठा से एकाग्रता से करो ना, मैंने कहा था क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता, एकाग्र और इस आगे निरुद्ध अवस्था में जाना, निर्बीज होना है ना, समाधि पाद ये यहीं से शुरू होता है, चित्त की पांच भूमियां हैं,
क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मिति चित्त भूमय, निर्बीज होना है। पहले सविकल्प फिर निर्विकल्प फिर सविचार निर्विचार समाधि, उससे निर्बीज होकर के योग के सारे साधन सिद्ध होंगे, फिर सिद्धियां मिलेंगी, कैवल्य मिलेगा। यही तो है योग दर्शन। जिंदगी हसीन कर ये खुदा का घर है तन, जिंदगी हसीन कर ये खुदा का घर है तन, अमोल ये सौगात है तू कर कोई ऊंचे कर्म, अमोल ये सौगात है तू कर कोई ऊंचे कर्म, हर बुराइयों हर बुराइयों के तुम विरोधी बनो बनो रे, भोगी नहीं भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। सब सीधे बैठे आंखें बंद कपाल भाति पूरी एकाग्रता के साथ जो भी बनो जीवन में प्रथम कोटि के बनो, गृहस्थ बनो तो प्रथम कोटि के बनना, और योगी सन्यासी बनना है तो भी प्रथम कोटि के बनना। शेरविंद कहते थे मुझे कम से कम 100 योगी चाहिए, यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मुझे 100 नचिकेता चाहिए, और ऋषिदानंद कहते थे जितना संसार का उपकार एक योगी सन्यासी कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अपने जैसे सैकड़ों सन्यासी चाहिए, इन सब महापुरुषों के सपनों को पूरा करना है। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस कर बलिदानों की। जो भाई बहन आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहते हैं, ऐसे युवक युवतियों के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 से 12 जुलाई तक श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में युवाओं के लिए एडवांस योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में भाग लेने के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, पंजीकरण हेतु संपर्क करें 01334-24008-24107-246737। आज जरूरत भारत माँ को। लंबे अंतराल के बाद परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अर्थराइटिस, कमर दर्द, उदर रोग, चर्म रोग, ऑटो इम्यून डिसीज एवं अवसाद आदि के रोगियों के लिए आवासीय एडवांस योग शिविर का आयोजन 24 से 30 जून तक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में किया जा रहा है। अनिवार्य अग्रिम पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पहली बार पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी पतंजलि चिकित्सालयों, आरोग्य केंद्रों व स्वदेशी केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थान गो आधारित डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन में समृद्धि एवं 125 करोड़ लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देने के अभियान को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित है। मैंने कहा सिर्फ असली आमला में है असली दम, सो आरती है दम। असली आमला दम ये है असली आमला, डाबर आमला दम, जो साधारण तेल के मुकाबले दे ज्यादा मजबूत ज्यादा खूबसूरत बाल। असली आमला डाबर आमला।
glorious decades. Excellent service, dedication and commitment. India mein suraksha ka ek hi naam. Trek Guard Force Limited, India's leading security company. For personal security, corporate security, residential security, armed guards, cash van, dog squad, and undercover investigation. Trek Guard Force Limited, India's leading security company. हाज मोला कनाया अनारदाना राजेश मसाला स्वाद बढ़ाए राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को क्या आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आपने ये सुना है कि इसका इलाज डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है लेकिन ये सच नहीं है नाउ टेक कंट्रोल ऑफ योर किडनी हेल्थ एंड से गुड बाय टू डायलिसिस और जानकारी के लिए कॉल करें 9653537575 मजबूत दांतों के लिए 9 करोड़ से अधिक भारतीयों का भरोसा डाबर लाल दंत मंजन क्योंकि साधारण पाउडर के मुकाबले डाबर लाल दंत मंजन में है लौंग पुदीना के साथ आयुर्वेद की शक्ति जो दे स्वस्थ मसूड़े और जड़ से मजबूत दांत 9 करोड़ से अधिक भारतीयों का भरोसा डाबर लाल दंत मंजन 1857 के स्वतंत्र समर की महानाई का देशभक्ति और शौर्य की अद्भुत मिसाल अमर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस पर आस्था परिवार का शत शत नमन क्या आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आपने ये सुना है कि इसका इलाज डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है लेकिन ये सच नहीं है नाउ टेक कंट्रोल ऑफ योर किडनी हेल्थ एंड से गुड बाय टू डायलिसिस और जानकारी के लिए कॉल करें 9653537575 मजबूत दांतों के लिए 9 करोड़ से अधिक भारतीयों का भरोसा डाबर लाल दंत मंजन क्योंकि साधारण पाउडर के मुकाबले डाबर लाल दंत मंजन में है लौंग पुदीना के साथ आयुर्वेद की शक्ति जो दे स्वस्थ मसूड़े और जड़ से मजबूत दांत 9 करोड़ से अधिक भारतीयों का भरोसा डाबर लाल दंत मंजन झूम जाए तन मन घर आंगन में हिकाए राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध स्वाद में दम रहो राजेश मसाला श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने ऋषियों द्वारा प्रदत्त आरोग्य के सूत्र एवं आयुर्वेद के सार से युक्त अपनी महान कृति आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य जन जन के लिए परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध ऋषियों का ज्ञान प्रसार आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं तथा आयुर्वेद से आरोग्य और नवजीवन का सूत्र पाएं।